तो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो नमस्कार प्रणाम, फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर सिंह ऑफिशियल। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं एक बगीचा में और यहां का मौसम बहुत अच्छा है। अभी एकदम इंटरटेनमेंट वाला मौसम है, एकदम जो कहते हैं ना एकदम दिल खुश करने वाला मौसम है, इसलिए मैं बगीचा में आ गया और इधर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जी हां दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि आज बात होने वाली है भोजपुरी में उठाए गए एक नया कदम, जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। तो लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो रविशंकर सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर बात क्या हुआ है और किस तरीके से पवन सिंह को जो चर्चा हो रहा है कि पवन सिंह एक नया कदम उठाए हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आखिर बात यह हुआ है दोस्तों कि जी हाँ, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से उठाए गए कदम, और किस बात पे, जैसा कि आप लोग अभी जान ही रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी भोजपुरी से जुड़े हुए कलाकार हैं या ऑडियंस हैं या सिंगर हैं, यूट्यूबर हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं जितने भोजपुरी से, और हर किसी के पास यूट्यूब है, हर कुछ ना कुछ तो YouTube पे आपको मिलता रहता है। लेकिन भोजपुरी में गाने और फिल्मों से ज़्यादा प्रमोशन कंट्रोवर्सी का हो रहा है आजकल। जी हाँ, गाने और फिल्मों का से ज़्यादा प्रमोशन कंट्रोवर्सी का हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इतनी गंदे तरीके से हो रहा है आजकल कि मतलब एकदम माँ बहन तो कुछ रहा ही नहीं। बेकार है ऐसे यूट्यूबरों के लिए जो यूट्यूब पर इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी माँ बहन करते हैं, दूसरों की माँ बहन करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे बेकार लग रहा है और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ये गंदा लग रहा है। मतलब जो कंट्रोवर्सी हो रहा है ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब लग रहा है। कोई किसी के नाम पे लड़ रहा है, कोई किसी के नाम पे लड़ रहा है, कोई पावर स्टार पवन सिंह के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के नाम पे लड़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया उठा के देखो, खास करके भोजपुरी में तो गाने कम सुनने को मिलेंगे, गाने को तो किसी ने सर्च ही नहीं करता भाई, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी को ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। पवन सिंह क्या बोले, खेसारी जी क्या बोले, खेसारी जी के यूट्यूबर क्या बोले, पवन सिंह के यूट्यूबर क्या बोले, इस तरीके का बात है जो कि बहुत ज़्यादा भोजपुरी में चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पवन सिंह इस तरीके से कदम उठाए हैं इस चीज़ पर, कि किस चीज़ पर पवन सिंह एक कदम उठाए हैं भोजपुरी के ये सब जो हो रहा है इस पर। तो क्या कदम उठाए हैं, आप लोग पहले बातों को समझिए और सुनिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पवन सिंह का एक गाना आया है, अभी गाना आया है नहीं, भक्ति गाना आया है जो हो गया एक हफ्ता से प्लस ही शायद मेरे ख्याल में हो गया होगा, जिस गाने का नाम है रोबे ले रघुराई। उस रोबे ले रघुराई का आप लोग देख सकते हैं कि उसको प्यार कितना मिल रहा है, उस गाने का कितना सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। अखबार में छप रहा है, अयोध्या से बाबा पवन सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी हाँ, अयोध्या से, अयोध्या के जो संत महात्मा लोग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस गाने ने बॉलीवुड के 600 करोड़ की फिल्म को चाप कर रख दिया है। जी हाँ, वो 600 करोड़ की फिल्म जो बनी थी उसको दाब कर रख दिया। उस फिल्म का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस फिल्म का प्रमोशन मुझे नहीं करना है, मुझे भोजपुरी को प्रमोशन करना है और भोजपुरी को आगे उठाना है, क्योंकि हम भोजपुरी से जुड़े हुए हैं और हमारे लोग जितने भी ऑडियंस हैं आप हैं वो सब लोग भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे भोजपुरी को प्रमोशन करना है और भोजपुरी को यहाँ से यहाँ मतलब बहुत आगे ले जाना है भोजपुरी। लेकिन भोजपुरी में गाली गलौज करके नहीं, जमीनी स्तर पर लड़ाई झगड़ा करके नहीं, मारपीट करके नहीं, अपने दूसरे माँ बहन करके नहीं, जी नहीं, भोजपुरी को प्रेम से और प्यार से आगे लेकर जाना है। तो इस गाने का और उस फिल्म का सोच सकते हैं कि एक एक छोटा गाना है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से गाया गया एक गाना और 600 करोड़ की फिल्म, ढाई से दो घंटे तीन घंटे की जो भी फिल्म है उसकी ऐसी तैसी कर दी ये गाना, पूरे हिंदुस्तान में ये गाना बवाल मचाया हुआ है। जी हाँ, और अभी फिर माँ अम्बे फिल्म्स रिकॉर्ड से एक गाना और आ रहा है जो पवन सिंह का भक्ति है, वो भी बवाल मचाने वाला, तो उसको भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे इस गाने को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो पवन सिंह का कदम यही है कि इस तरीके के सभी सिंगर लोग गाएँ, सभी सिंगर लोग गाएँ, और इसमें पूरी दुनिया, पूरी भारत, पूरे सनातन धर्म, पूरे जितने भी चाहने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों में उझरा के रखें, ना कि गाली गलौज में उझराएं। ये सभी सिंगरों के लिए एक मतलब लकीर कहिए या सभी सिंगरों का एक
मतलब समझाने का तरीका कहिए या कुछ भी कहिए, जो अश्लील गाने गा रहे हैं वो सब छोड़ देंगे और इस गाने को इतना प्यार मिल रहा है जैसा कि आप लोग तो जान ही रहे हैं, तो क्या ये अश्लील गाना नहीं ना है? ये भक्ति सॉन्ग है, सुबह सुबह मैं रोज़ सुनता हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सुनते, आप लोग भी सुनते होंगे, सब लोग सुनते हैं, क्योंकि एक ऐसा दर्द भरा गाना और इतनी अच्छे तरीके से परोसा गया है, जो लिखे हैं इस गाने को और गाए हैं पावर स्टार पवन सिंह, इतना बढ़िया लगता है कि दिल खुश हो जाता है इस गाने को सुनकर। रोबे ले रघुराई कि लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगता है उस टाइम प्रभु श्री राम का जो बेचैनी होता है, वो बेचैनी वाले सिचुएशन में वो इस बात को बोलते हैं कि मैं किसको अब छोटा भाई कहूँगा, मैं किस तरीके से अयोध्या वापस लौटूंगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, वो तीनों माताओं को मैं क्या जवाब दूंगा, उन तीनों माताओं को कि लक्ष्मण को मैं कहाँ छोड़ के आ गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है लक्ष्मण तो ये दर्द को मतलब उस गाने से महसूस किया जाता है और उस गाने से महसूस कर रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब यही है कि यही ऐसा कदम है और इस तरीके से हम सभी कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, वो सबको ऐसा ही करना चाहिए, अच्छे अच्छे गाने लाइए, कंट्रोवर्सी का जगह नहीं दीजिए। और कौन क्या कर रहा है, हम जिनके चाहने वाले हैं, हम मान लें पवन सिंह के हम सपोर्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे पार्टी को गाली दूंगा। पवन सिंह मेरे फेवरेट हैं, पवन सिंह को मैं चाहता हूं, पवन सिंह को मैं फुल सपोर्ट करता हूं, पवन सिंह के गाने को सपोर्ट करता हूं, पवन सिंह मेरे लिए, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, बहुत छोटे से मैं सुनता हूं पवन सिंह को, बहुत पहले से सुनता हूं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पवन सिंह का फुल सपोर्टर हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं दूसरे को गाली दूंगा, दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का हमें क्या मतलब है भाई, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन हाँ गलत अगर करेंगे तो गलत पर तो भैया सवाल उठाएंगे ही, अगर कोई गलत करता है तो उस पर तो बनता है हक, बिल्कुल बनता है, और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे कि किसी कलाकार ने ये किया या कुछ जो भी करता है उसके ऊपर तो जरूर आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी करे उसके ऊपर आवाज उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। तो इस तरीके के आप लोग गाना गाइए, इस तरीके का फिल्मों का बात कीजिए, अच्छे अच्छे फिल्म करिए, जैसे कि अभी फिल्म हर हर गंगे आ रहा है और भी फिल्म बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म आ रही हैं, उन सबका सपोर्ट कीजिए, उन सब पे चर्चा कीजिए। तो ये गाली गलौज मार धार यहाँ वहाँ ये सब नहीं है, किसी की माँ बहन को फैमिली को टारगेट करना, ये कुछ यूट्यूबर लोग ऐसे भी हैं जो माँ बहन को टारगेट कर रहे हैं, कोई उसको टारगेट कर रहा है, कोई उसको कर रहा, पता नहीं यार क्या कर रहा है, भोजपुरी को ऊपर नहीं बढ़ा रहे हो भाई साहब, भोजपुरी को नीचे बढ़ा रहे। इसीलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भोजपुरी को आगे बढ़ाएं, अगर भोजपुरी से आप 2 रुपये कमा रहे हैं, भोजपुरी से आपका नाम है, पहचान है, भोजपुरी को आगे बढ़ाएं और ऐसे ऐसे गानों को प्रमोट करें। जो भी अच्छा गाना गाते हैं, जो भी अच्छी फिल्में लाते हैं, जिनका भी बातें आपको अच्छा लगता है, खूब प्रमोट कीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए, किसी दूसरे को फैमिली को टारगेट मत कीजिए, चाहे वो फैमिली किसी का भी हो, किसी की माँ बहन आपके सामने नहीं आ रही है, किसी की माँ बहन कोई गलती नहीं कर रही, आप उनकी माँ बहन को कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि किसी के पर्सनल जिंदगी में, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, घुसने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भोजपुरी को आप लोग आगे बढ़ाइए, भोजपुरी को आप लोग खूब आगे बढ़ाइए, जिस तरीके से पवन सिंह का गाना जो आया है अखबारों में छप रहा है, पूरे भारत से उनको प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, इस तरीके का काम कीजिए कि आपको भी पूरे भारत से सम्मान मिले, भारत पूरे चाहने वाले आपको सम्मान करें, हर जगह आपका मान और सम्मान बढ़ता रहे। भोजपुरी को आगे बढ़ाइए और भोजपुरी को खूब आगे बढ़ाइए, आगे नहीं बढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, अच्छे तरीके से, गाली गलौज करके नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, सब एक दूसरे से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से मिलिए और गले मिलकर रहिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।